नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते देखते हैं, सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। सबसे पहले अगर हम देखें सब डिविजनल मैप में, तो हम पाएंगे पश्चिमी तटीय जो राज्य हैं, आप देखेंगे पश्चिमी तटीय राज्य के सब डिविजनल जगहों पे स्थानों पे आप देखेंगे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा हुई है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें, खासकर हम पश्चिम बंगाल झारखंड में, इनको भी गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर भी वर्षा हुई। शेष भारत की बात करें तो वो सामान्य रही, लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज वाले इस मैप को अगर हम देखें, तो हम पाएंगे मुख्य रूप से अगर हम बात करें ये महाराष्ट्र के विदर्भा, ये मराठवाड़ा, कर्नाटका, तेलंगाना, कोसला आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी भारत के राज्य, इनमें अभी लाल रंगों से दिखाया गया, मतलब पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पे वर्षा कुछ कम रही है, मानसून कुछ कम सक्रिय रहा। अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की अगर हम यहाँ पर भी अगर बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान, और पूर्वी राज्यों की, तो आप देखेंगे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया, तो ये सूचित कर रहा है सामान्य से 4 गुना ज़्यादा वर्षा हुई है। और साथ ही साथ अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में यहाँ सामान्य से 1.5 गुना ज़्यादा वर्षा हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए हम देखते हैं अगर हम पश्चिम बंगाल और जो पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्यों की अगर हम बात करें, वर्षा का कैसी मात्रा यहाँ पे दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अगर हम उसमें देखें तो हम पाएंगे कि पश्चिम बंगाल के लुचीपुर में 41 सेंटीमीटर, आसनसोल 40, बांकुड़ा 35, दुर्गापुर हरिद्वार में 22, सभी जगहों पे तुसुमना में 19, पुरुलिया में 18, सिमुला कांसबाती में 14, राजनगर, रतनपुर, बर्नपुर, पानागढ़ में 8, झारखंड की बात करें धनबाद में 31, बोकारो में 29 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर की बात हो रही है, देवघर में 28, जमतारा में 24, गिरिडीह में 15, दुमका में 9, कोडरमा में 8, हजारीबाग में 7। अगर हम पश्चिमी राज्यों की बात करें, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, जूनागढ़ में 28, देवभूमि द्वारका अमरेली में 14, भावनगर जामनगर में 12, विरावल कसौट सोमनाथ में 11, पोरबंदर में 10, कच्छ में 8, ओका राजकोट में 7, उड़ीसा मयूरभंज में 10, जगत सिंहपुर पुरी की बात करें 8 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ की बात करें कोंडागांव में 7, गुजरात में भरूच में 10, आनंद में 7, त्रिपुरा के अगरतला में 7, रायलसीमा कुडापेट में 10, तंजावुर में 9 और पुडुकोट्टी में 8। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में, पश्चिमी राज्यों में हम बात करें, काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। इसके मुख्य कारण थे 2 वेलमार्क लो, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। देखिए सबसे पहले संयुक्त परिस्थिति में हम चलते हैं, देखते हैं संयुक्त परिस्थिति की अगर हम देखें तो हम पाएंगे ये देखिए सैटेलाइट की इमेजरी, अगर इनसे 3D की सैटेलाइट इमेजरी में ये जो हम जो कल WML की बात कर रहे थे, वो अब डिप्रेशन का रूप ले लिया है, वो 22.7 और 66.6 और 2 के बीच यहाँ पे है। तो वेलमार्क लो की ये जो पहली बार स्थिति थी, अब वो डिप्रेशन का रूप ले लिया। और अगर दूसरे WML की बात करें, ये देखिए दूसरा WML उत्तरी झारखंड और एडजॉइनिंग और समीपवर्ती बिहार राज्य के साथ सटा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सो डिप्रेशन ओवर अरेबियन सी और WML जिसको हम कहते हैं गहरे कम दबाव का क्षेत्र, उत्तरी झारखंड और एडजॉइनिंग बिहार में दिखा। तो अब इससे क्या संभावनाएं बन सकती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्रेशन की। तो पूर्वोत्तर अरब सागर उसे सटे कच्छ के ऊपर ये बना दबाव, अब ये डिप्रेशन का रूप जैसे ले चुका है, ये पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ा, इन दिशाओं में आगे बढ़ा है। और पिछले 3 घंटों के दौरान लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, और आज 30 तारीख को 8:30 बजे IST पे 31 पे गुजरात तट से दूर पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर ये स्थिति देखा गया है, ये वाली जगहों पे। सो अब ये इससे क्या होगा, अब इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना होगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम और उत्तर गुजरात से दूर उत्तर पूर्व अरब के ऊपर एक गहरे दबाव के बदलने की बहुत संभावना दिख रही है। अब ये गहरा दबाव का क्षेत्र जिसको हम कहेंगे डीप डिप्रेशन बनने की संभावना अगले 12 घंटों के दौरान बनने जा रही है। अब उसके फलस्वरूप क्या होगा, फिर इसके फिर से पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर ये आगे बढ़ेगा, और इसकी संभावना काफ़ी तेज है, और अगले 24 घंटों के दौरान एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा, और इसके बाद ये आगे बढ़ने के साथ साथ पश्चिम उत्तर पश्चिम के पाकिस्तान मकरान तटों के करीब ये पहुँचेगा। लेकिन मुख्य रूप से बात कहने वाली ये है कि भारतीय तट से ये दूर जा रहा है। आइए देखते हैं फिशरमैन जिनको हम कहेंगे मछुआरों के लिए क्या वार्निंग दी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखिए ये वाले जगह को जिनको मैं अभी सूची दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हवाओं की तीव्रता 50 से 60 किलोमीटर पर आवर है, और गस्टिंग की अगर बात करें तो ये आपकी लगभग 70 किलोमीटर पर आवर, बहुत तीव्र हवाएं चलेंगी यहाँ पे। और साथ ही साथ ये वाले भाग की अगर हम बात करें, इन भागों में 45 से 55 किलोमीटर पर आवर की गति से हवाएं चलेंगी, और गस्टिंग इसकी रहेगी 65 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बंगाल पश्चिम बंगाल की खाड़ी की बात करें, ये देखिए बंगाल की खाड़ी की इस भाग में जो हवाओं की गति होगी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग इसके 60 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली। दूसरे दिन की बात करें, ये देखिए दूसरे दिन की इन जगहों को लगभग 45 से 55 और 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की हवाओं की तेज गति से यहाँ पे हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें, इन जगहों पे 40 से 50 किलोमीटर पर आवर
के गति से हवाएं चलेंगी। अगर हम तीसरे दिन की बात करें, ये देखिए लाल कलर से, लाल रंगों से दिखाया गया, लाल रंग ये सूचित कर रहा है 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की हवाओं तीव्रता से हवाएं चलेंगी और इसकी गस्टिंग लगभग 125 किलोमीटर पर आवर रहने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा तेज विंड यहाँ पे चलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम चौथे दिन की बात करें, थोड़ी सी कम होके लेकिन फिर भी ये अराउंड 70 से 80 90 किलोमीटर पर आवर की गति से इन जगहों पे, जिन जगहों को मैं अभी दिखा रहा हूँ वहाँ पे आपकी हवाओं की गति रहेंगी। हालांकि पाँचवें दिन इसकी गति की तीव्रता में काफ़ी कमी आएगी, लेकिन दक्षिणी भाग में आप देखेंगे हवाओं की तीव्रता अभी भी 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर रहेंगी। तो मछुआरों को सलाह दी जाएगी जिन जिन जगहों को दिखाया गया उन जगह पर वो ना जाए। मौसम की चेतावनी अगर अगले 5 दिनों की बात करें, ये देखिए चूंकि अभी एक डिप्रेशन बना हुआ जो दूर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी गुजरात के तटीय जगहों में हवाओं की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ये जो हवाओं इसमें दिखाया गया। साथ ही साथ क्या है, इन जगहों पर अगर हम बात करें, इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होगी। लेकिन अगर पूर्वी तटीय पूर्वी राज्यों की बात करिए, देखिए पूर्वी राज्यों में अगर हम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, बिहार झारखंड में तो रेड अलर्ट है, मतलब अत्यंत भारी वर्षा होने वाली है आने वाले 24 घंटों में। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की इन जगहों में भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें, छिटपुट वर्षा आप देखिए, छिटपुट से भारी वर्षा आपके पूरे पश्चिमी, अगर मैं बात करूँ तेलंगाना, ये देखिए कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और अगर उत्तरी भारत की बात करें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के इन भागों में भी छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम कल की बात करें, 1 अक्टूबर की, देखिए बिहार में रेड अलर्ट है, काफ़ी ज़्यादा अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। ये स्थिति 2 तारीख को भी चलेगी, ऑरेंज अलर्ट आपको यहाँ मिलेगा, भारी से भारी वर्षा हमको देखने को मिल सकती है। 3 और 4 तारीख को देखिए वर्षा की तीव्रता में काफ़ी कमी मध्य और उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों को देखने को मिल सकता है। हालांकि दक्षिणी भागों में स्थिति आप देखिए भारी छिटपुट से भारी वर्षा आपकी 3 तारीख और 4 तारीख को देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें, आप देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो 2, 3 और 4 को मध्य महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र कोंकण एंड गोवा, इन जगहों पर छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।